हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे 13 पार्ट 7 द न्यू ब्लड, जो कि आया था 6 पार्ट के 2 साल बाद 1988 में। इसके डायरेक्टर हैं जॉन कार्ल बकलर। जैसा कि आप जानते हो, जेसन फिर से वापस आ चुका है और अब वो पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। उसकी अगले किलिंग स्प्री कैसे स्टार्ट होगी, वही हम इसमें देखेंगे। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लो, जिससे आपको जेसन की पूरी जर्नी पता चल जाएगी। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में नरेटर हमें बताता है कि क्रिस्टल लेक के ऊपर श्राप है और उस श्राप का नाम है जेसन वोरेस। हमें दिखाई जाती है जेसन की पूरी कहानी, अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या किया, कैसे वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ और कैसे पिछले पार्ट में टॉमी ने उसे पत्थर से चेन करके लेक में डुबा दिया था और उसकी जिंदा बॉडी आज तक पानी में मौजूद है। वहीं पास बने कैबिन के अंदर हम देख पाते हैं टीना नाम की बच्ची को, जिसका ड्रंक फादर उसकी माँ को मार रहा था। और इसके पास लगे कैलेंडर से हमें पता चलता है कि आज दिन है फ्राइडे द 13th। रोज के ड्रामे से परेशान होकर वो बोट में बैठकर वहाँ से दूर जा रही थी, तभी उसे रोकने डैड भी पहुँच गया, साथ ही मॉम भी। तब गुस्से में टीना अपने डैड को कोसते हुए कहती है कि काश आप मर जाते। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और डॉग टूट गया, जिससे उसका डैड पानी में गिरकर मर गया। यानी टीना के पास साइकिक पावर्स मौजूद हैं, जो कि इसके लिए श्राप साबित हुई, क्योंकि इसने तो गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था। ये सच में नहीं चाहती थी कि इसका डैड मर जाए। खैर, इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन टीना का गिल्ट अब भी दूर नहीं हुआ, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन इसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई। अब इसकी मामा मैंडा इसे सेम घर में वापस लेकर आई है जहाँ पर इसका डैड मरा था, और वहाँ पर टीना का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर क्रूज पहले से उनका वेट कर रहा था, क्योंकि अब ये यहीं पर रहकर इसका इलाज करेगा दूसरे तरीके से। टीना को यहाँ पर लेकर आना इसी का आइडिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इसने कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं। कर उनके सामने वाले कैबिन में रुके टीनेज ग्रुप का एक लड़का निक टीना की हेल्प करने लगा, जो कि वहां बैठी लड़की मेलिसा को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसे निक पसंद है। खैर, बिना किसी देरी के इलाज शुरू करते हुए डॉक्टर टीना को कैमरा के सामने उसकी पावर यूज करने को कहता है, तो उससे नहीं होता, पर फिर भी डॉक्टर के बहुत ज्यादा अब्यूसिव तरीके से प्रेशर देने पर उससे गुस्से में एक कागज जल गया। हम साफ साफ देख पाते हैं कि डॉक्टर इसकी कोई हेल्प करना नहीं चाहता, बल्कि वो सिर्फ चाहता है इसकी पावर्स को एक्सप्लॉइट करना और कुछ नहीं। इस सबसे दुखी होकर वो डॉग पर जाकर अपने डैड को याद करते हुए विश करती है कि काश वो वापस आ जाए। बस ये बोलने की ही देर थी कि तभी चेन टूट गई और बाहर आ गया सड़ा गला जेसन, जिसे देखकर टीना वहीं पर बेहोश हो गई। उसे लगा होगा कि डैड तो कुछ ज्यादा ही बदल गए। खैर, जेसन बाहर निकलकर अपने सफर पर चल दिया और अब तो ये और भी ज्यादा तगड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस मूवी से जेसन का रोल संभाल लिया था केन हॉर्डर ने। कुछ देर बाद मॉम और डॉक्टर के होश में लाने पर टीना ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि लेक से कोई बाहर निकला, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। इसके बाद हम देखते हैं निक के कजन माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड जेन को, जिनकी कार खराब हो चुकी। माइकल का बर्थडे मनाने ही पूरा ग्रुप यहाँ पर जमा हुआ है, इसलिए दोनों पैदल ही जंगल के रास्ते चल दिए। रास्ते में वो हल्का होने चला गया, तभी जेसन ने जेन का मुंह दबोच कर एक स्पाइक से स्टैब करके उसे मार डाला। वापस आने पर माइकल जेन की लाश देख कर भागने लगा, लेकिन जेसन ने उसी स्पाइक से निशाना लगाकर उसका भी काम तमाम कर दिया। उधर निक टीना की मॉम से मिलकर उसे अपने कैबिन में ले आया अपने बाकी साथियों से मिलवाने, जिनमें है रसल, उसकी गर्लफ्रेंड सैंड्रा, एक कपल बेन और केट, शाय गर्ल मैडी, एक साईफाई राइटर एडी, एक गंजेड़ी डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन और फाइनली मेलिसा। वो टीना के साथ काफी रोड थी, पर टीना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तभी अचानक उसे विजन आने लगा जिसमें जेसन माइकल को मार रहा था, इसलिए वो डरकर भाग गई। वही स्पाइक उसके घर के बाहर भी गड़ा था, इसलिए उसने जल्दी से मॉम को यह सब बता दिया, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक ये सब उसका भ्रम है। तब वो उसे स्पाइक देखने को कहती है, लेकिन बाहर जाने पर वो गायब था, इसलिए वो झूठी साबित हो गई। उधर जंगल में एक कपल डैन और जूडी रोमांस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले डैन मशेटी लेकर गया लकड़ियां लेने, तो जेसन ने मौका पाकर अपना हाथ उसकी बॉडी के आर पार करके उसे मार दिया और फिर उठा लिया उसका मशेटी। उससे टेंट चीर कर वो जूडी को स्लीपिंग बैग समेत ही घसीट कर एक पेड़ तक ले आया, और क्योंकि वो काफी छटपटा रही थी, इसलिए जेसन ने सीधा उसे पेड़ में दे मारा, जिससे वो शांत हो गई। और ये इस फ्रेंचाइज की सबसे पॉपुलर किल है। अगली सुबह तक भी माइकल के न आने के बावजूद भी सभी बात को हल्के में ले रहे थे, किसी ने एक बार चेक करने की कोशिश तक नहीं की। बाहर टीना ने निक को अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे दोनों पूरी तरह करीब आ गए, और ये सब छुप कर देख लिया मेलिसा ने। इतने सालों का अकेलापन दूर होने पर टीना काफी खुश थी, लेकिन डॉक्टर की मनुष्य शक्ल ने उसका सारा मूड खराब कर दिया।
इधर सभी एंजॉयमेंट में लगे थे तभी डेविड के करीब आने के लिए रॉबिन स्मोकिंग के लिए रेडी हो गई, जिससे मैडी काफी उदास थी क्योंकि इसे भी वो पसंद है पर रॉबिन के आगे इसका कोई मैच नहीं। उसी वक्त टीना निक से मिलने आ गई जो कि वहां पर नहीं था। तब मलिसा ने मेंटल हॉस्पिटल के नाम से चिढ़ाकर उसे गुस्सा दिला दिया, इसलिए कंट्रोल खोकर उसने अपनी पावर से उसका नेकलेस तोड़ दिया। लेकिन टाइम रहते होश में आकर वो वहां से चली गई, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या टूटता। खैर उसे जाते हुए निक ने भी देख लिया, इसलिए वो गुस्सा हुआ अपने दोस्तों पर। टीना वहां से निकलना चाह रही थी ताकि ये दूसरों के लिए खतरा ना बने, जिसके लिए मॉम भी तैयार थी, पर डॉक्टर के मुताबिक इसने अब जाकर कुछ रियल प्रोग्रेस दिखाई है, इसलिए फिलहाल ये नहीं जा सकती। डॉक्टर उसकी माँ पर ही चिल्लाने लगा, जिससे उसे याद आ गया उसका बचपन। अपनी पावर से उसने टीवी उठाकर डॉक्टर के ऊपर दे मारा, लेकिन अफसोस वो बच गया। वो गुस्से में वहां से निकल रही थी तभी उसके सामने आ गया निक। उसके पास मौजूद माइकल की फोटो देखकर वो कहती है कि ये मर चुका, और ये बात निक को समझ नहीं आई। तभी मॉम आकर उसे सामान पैक करने को कहती है क्योंकि सुबह ये यहाँ से निकलेंगे। डॉक्टर अपने लैब चलाए। बाहर रसल और सैंड्रा मजे के मूड में थे, इसलिए सैंड्रा कपड़े उतार कर पानी में चली गई, और रूल तो आपको पता ही है। जेसन ने पलक झपकते रसल को मार डाला कुल्हाड़ी उसके फेस में घुसाकर। उसकी लाश देखकर सैंड्रा चिल्लाने लगी, तभी जेसन ने अचानक पानी में प्रकट होकर उसे डरा दिया, फिर डुबकी लगाकर उसे भी नीचे खींच लिया और डुबाकर मार डाला। इधर निक माइकल के लिए काफी परेशान था, तभी मेलिसा आकर उससे चेप होने लगी, इसलिए उसने सीधा ही कह दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये तो उसे पता ही है, वो तो बस ट्राई कर रही थी। फिलहाल वो चली गई एडी के साथ। रॉबिन और डेविड को साथ देखकर मैडी का चेहरा भी उतरा हुआ था, इसलिए वो मेकअप करने लगी उसे इम्प्रेस करने के लिए। इसी बीच डॉक्टर कुछ पेपर देख रहा था, साथ ही टीना का देखा हुआ स्पाइक भी उसी के पास मौजूद है, यानी कि ये पूरी कोशिश कर रहा है सबके सामने टीना को पागल दिखाने की, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले उसकी पावर्स को एक्सप्लॉइट करने का। एक तरह से वो इसकी गुलाम बनकर रह जाए। खैर उसे वहीं पर छोड़कर वो जंगल पहुंच गया जहां पर उसे मिली माइकल की लाश, साथ ही मर्डर वेपन भी, इसलिए डर के मारे वो चुपचाप वापस चल दिया। इधर मेकअप पूरा होते ही मैडी डेविड को ढूंढते हुए बाहर निकल आई, और तभी उसका इयररिंग गिर गया। वो उसे उठाकर पहन पाती, इससे पहले ही पेड़ से नीचे गिर गई रसल की लाश, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। तभी जेसन भी आ गया, इसलिए वो भागते हुए बाड़ में छिप गई, और जेसन भी वहां पहुंच गया, इसलिए रेंगते हुए वो शिफ्ट हो गई बगल वाले सेक्शन में, और इतना काफी नहीं था। जेसन ने बाहर से जकड़कर उसे चीर दिया, पर ये किल हमें दिखाई नहीं गई। उधर डॉक्टर के घर पहुंचने पर अमेंडा पहले से उसके रूम में मौजूद उसकी रिकॉर्डेड टेप सुन रही थी, जिनसे उसका सारा राज खुल गया, यही कि ये टीना की हेल्प के बजाय उसके इमोशंस को ट्रिगर करके उसकी पावर्स को जगा रहा है एक्सप्लॉइट करने के लिए। उसकी हेल्थ से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बात से अमेंडा काफी गुस्सा थी, पर वो अब भी ज्ञान झाड़ रहा था कि टीना सबके लिए खतरा है, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, और ये इसका सजेशन नहीं बल्कि धमकी है, क्योंकि इसे लग रहा है कि टीना ही सबको मारी है। टीना ने बाहर से यह सब सुन लिया, इसलिए वो उसी वक्त कार लेकर निकल गई, लेकिन रास्ते में उसे जेसन देख गया उसकी मॉम को मारते हुए, इसलिए उसकी कार ठुक गई। कार से निकलकर वो जंगल के रास्ते चल दी मॉम को ढूंढने, तभी उसे निक भी मिल गया, और इतने में उसकी मॉम डॉक्टर के साथ उसकी कार तक पहुंच गई। कार की हालत देखकर वो भी जंगल में चले गए टीना को ढूंढने। उधर बेन और केट अब भी वैन में बिजी थे, तभी अचानक वैन हिलने पर उन्हें लगा कि माइकल होगा, इसलिए बेन एक भोंपू लेकर बाहर निकल आया, और तभी जेसन ने उसका हेड क्रश कर दिया। केट विंडो से झांक कर उसे ढूंढ रही थी, तभी जेसन ने वही भोंपू फिट कर दिया उसकी आंख में। ऊपर एडी से तंग होकर मलिसा ने उसे भगा दिया, जबकि डेविड और रॉबिन का सब सही था। लेकिन तभी जेसन ने घर की लाइट काट दी, पर इसके बावजूद भी वो नहीं रुके, और ये बात जेसन के दिल पर लग गई। इसलिए बाद में भूख लगने पर जब डेविड किचन में पहुंचा तो जेसन ने एक चाकू उसके पेट में घुसा डाला। इधर जंगल में भटकते हुए टीना और निक को भी माइकल की बॉडी मिल गई, लेकिन फिलहाल दुख मनाने का टाइम नहीं है, इसलिए टीना उसे खींचकर घर में ले आई। अपने डैड की गन ढूंढते हुए ड्रॉअर में उसे कुछ पेपर कटिंग्स मिल गई, जिनके जरिए उन्हें जेसन और इस जगह के बारे में सब कुछ पता चल गया। इस बात से वो काफी घबरा गई, जिससे घर का सारा सामान उथल पुथल हो गया, और या निक को भी उसकी पावर्स के दर्शन हो गए। वो उसे शांत करके सबको साथ लेने के लिए कहता है, उसके बाद ये इसकी मॉम को ढूंढने जाएंगे। सामने एडी मलिसा के बारे में ही बड़बड़ा रहा था, तभी जेसन ने वहां आकर मशेटी से उसका गला चीर कर उसे मार डाला। काफी देर तक जब डेविड नहीं लौटा तो रॉबिन उसे ढूंढने पहुंच गई मैडी के रूम में। अचानक अलमारी में हलचल होने पर वो उसे खोलती है तो एक बिल्ली ने कूद कर उसे डरा दिया। वो उसे लेकर नीचे जा रही थी तभी उसका हाथ पड़ा टेबल पर लगे खून पर, जो निकल रहा था डेविड के सर से। ये देखकर वो घबरा गई, तभी जेसन ने सामने से निकलकर उसे विंडो से नीचे फेंक दिया। उधर टीना भी बुरी तरह घबराई हुई थी, इसलिए उसने निक को अकेले भेज दिया बाकियों को लाने, और इससे ज्यादा बेवकूफी भरा फैसला क्या होगा। खैर टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि घर को खाली करके जेसन जंगल की तरफ चल दिया, जहां पर अमेंडा और डॉक्टर आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन जेसन को देखते ही दोनों उल्टे पैर भागने लगे। भागते हुए डॉक्टर गिर गया तो उसने अमेंडा को भी रोक लिया, और जेसन के आने पर उसे आगे करके मरवा डाला। उधर घर में जाने पर निक को एडी की लाश देख गई, इसलिए वो जल्दी से वापस पहुंच गया टीना को लेने, लेकिन तब तक टीना गायब हो चुकी थी। तभी किसी की आहट सुन
सुनकर उसने गंतान दी तो वो थी मलिसा। टीना अपनी माम को ढूंढने जंगल जा चुकी थी लेकिन उसे मिला डॉक्टर जो अब भी झूठ बोल रहा था, लेकिन हाथ पर लगे खून की वजह से आखिर में उसे सच बोलना पड़ा। पर फिर भी टीना नहीं मानी, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग निकला। थकान की वजह से वो रुक कर थोड़ा आराम कर रहा था, तभी एक पोल चेनसॉ लेकर जेसन पहुंच गया उसका चैन छीनने। वो जान बचाकर भागता है लेकिन जेसन ने काफी आसानी से मौका पाकर उसे चीर डाला। टीना भी बेहाल भाग रही थी और ऐसे ही वो पहुंच गई अपनी मॉम की लाश तक। तभी जेसन को देखकर वो उसके पीछे गई तो उसे मिली केट लेकिन डेड। वही नीचे सैंड्रा की बॉडी पड़ी थी और बगल में ठुकी थी मैडी की। तभी रसल की बॉडी भी लटक गई और एक ही बार में इतनी लाशें देखकर टीना की आंखें फट गई। तभी उसकी नजर पड़ी जेसन पर जो उसके सामने ही खड़ा था और फिलहाल ये क्या ही लुक दे रहा है। लेकिन टीना भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है क्योंकि इसके पास मौजूद है साइकिक पावर्स। उनके इस्तेमाल से उसने जेसन को जकड़कर इलेक्ट्रिक वायर से उसे काफी बुरा झटका देकर नॉक कर डाला। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची वो झट से खड़ा हो गया। उससे बचते हुए वो कैबिन में भाग गई लेकिन उसके कुछ सोचने से पहले जेसन खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया, इसलिए वो खुद को लॉक कर लेती है लेकिन सब बेअसर रहा। तब वो एक सोफा उस पर फेंकती है, तभी उसकी नजर पड़ी गमले में रखे डेविड के हेड पर तो उसने गमला ही जेसन को दे मारा, साथ ही घर की छत भी उस पर गिरा दी। इसके बाद वो पहुंची अपने घर में जहां निक और मेलिसा भी मौजूद थे। वो उन्हें सब कुछ बताकर कहती है कि मैंने जेसन को मार दिया, लेकिन मेलिसा को इस सब पर विश्वास नहीं था। निक के मना करने के बावजूद वो निकल रही थी लेकिन दरवाजा खोलते ही जेसन ने एक कुल्हाड़ी उसके सर में घुसा दी। किसी तरह उससे बचते हुए वो दोनों ऊपर पहुंच गए पर रूम लॉक था, इसलिए कोई ऑप्शन ना पाकर टीना ने एक बल्ब उसके सर पर फोड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अब वो दोनों वहां से निकलते उससे पहले जेसन ने उठकर निक को नॉक कर दिया और इस बार वो उसे पूरी तरह मार देता, लेकिन तभी टीना ने अपनी पावर से उसकी मास बेल्ट को बुरी तरह टाइट करके उसकी हालत खराब कर दी। ऐसे ही उसका मास फट गया और एक बार फिर हम देख पाए उसकी शक्ल। टीना ने बिना रुके सीलिंग वायर खींचकर जेसन को लटकाने के बाद फेंक दिया नीचे बेसमेंट में, और इससे पहले किसी ने भी जेसन की इतनी बुरी हालत नहीं की। पहली बार कोई इसे बराबर की टक्कर दे रहा है। वो निक को लेकर निकल रही थी लेकिन तभी जेसन ने टीना को नीचे खींच लिया, लेकिन टीना ने बिना घबराए कुछ कीले उस पर फायर की, फिर वह मौजूद गैसोलीन छिड़क कर चिमनी की आग से उसे जला डाला। तभी निक की आँख खुलने पर वो टीना को लेकर जल्दी से डॉक पर पहुंच गया और तभी पूरा घर ही ब्लास्ट हो गया। यहाँ फाइनली दोनों निकल पाते लेकिन तभी जेसन ने आकर टीना को दूर फेंक दिया, इसलिए निक ने बिना रुके उस पर गोलियां बरसा दी, लेकिन उसने काफी आसानी से निक को चेत कर दिया। वो फिर एक बार टीना की तरफ बढ़ने लगा, तब टीना एक आखिरी ट्राई करती है जिसके फलस्वरूप उसके डैड पानी से बाहर निकल आए, जबकि बाय द वे 10 साल पानी में सड़ने के बावजूद इनकी स्किन काफी ग्लो कर रही है। खैर उन्होंने जेसन को जकड़कर पानी में खींच लिया और यहाँ फाइनली टीना को शांति मिली। अगली सुबह एक फायर फाइटर को उस जगह पर जेसन का फटा हुआ मास्क मिल गया और ये हैं इस फिल्म के डायरेक्टर। साथ ही टीना और निक दोनों ही सही सलामत थे और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। फाइनली एक हैप्पी एंडिंग जो कि इस फ्रेंचाइज में पहली बार है। खैर जेसन अब भी मरा नहीं ये हम जानते हैं, बस देखना यह है कि वो कितनी देर पानी में अंदर रुक पाएगा और उसे फिर से बाहर कौन निकालेगा। अब ये वो वाला जेसन आ चुका है जिसकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है। आप खुद देखो ये सफर कहां से कहां तक आ गया और अभी कहां तक जाएगा। तो इस मूवी को हम शॉर्ट में कह सकते हैं जेसन वर्सेस कैरी, क्योंकि यही पूरा कॉन्सेप्ट था। टीना की पावर्स जेसन पर भारी थी अनलेस कि वो टीना को चीर देता। पूरी मूवी में जेसन का जो सड़ा गला लुक मेंटेन किया गया वो भी काफी सही था। खैर अब जंगल वाली सेटिंग भी बहुत हुई क्योंकि अगले पार्ट में जेसन जाने वाला है जंगल से बाहर सीधा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग होगा, उसका वेट करना। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $2.8 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $19.1 मिलियन। इस फिल्म में जेसन का रोल किया केन हॉर्डर ने और जेसन को प्ले करने वाले वो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टर हैं, साथ ही इकलौते एक्टर जिन्होंने एक से ज्यादा बार जेसन का रोल किया। टेक्निकली विक्टर क्राउली का रोल भी केन ही करते हैं। जिस सीन में टीना को माइकल के मरने का विजन आ रहा था वो सबसे पहला सीन था जो केन ने शूट किया था इस फ्रेंचाइज में। शूटिंग के टाइम पर केन का ड्रेसिंग रूम सेट से काफी दूर था। एक रात शूटिंग खत्म हुई 2 बजे तो केन अपने फुल जेसन गेटअप में जंगल के रास्ते ही ड्रेसिंग रूम तक पैदल चल दिए। तब उन्हें एक आदमी मिला जो उनसे पूछ रहा था कि क्या तुम भी इसी फिल्म में हो। ये एक पकाऊ सवाल था, इसलिए केन ने उसके तरफ बढ़कर थोड़ा गुर्रा दिया जिससे वो बेचारा गिरता पड़ता वहां से भागा और ये सब उसने बता दिया था पुलिस को। इस फिल्म के जेसन कॉस्ट्यूम अब भी मौजूद है फ्राइडे द 13th प्राउस म्यूजियम में। जेसन का रोल पहले मिल रहा था पिछले पार्ट के जेसन सीजे ग्राहम को, लेकिन डायरेक्टर जॉन ने खुद केन को रिकमेंड किया क्योंकि केन ने प्रिजन नाम के फिल्म में जिंदा कीड़े अपने मुंह में डाले थे जिससे जॉन काफी इंप्रेस हुए थे। किसी और की वजह से बाय चांस केन को ये रोल मिला और आगे आपको पता ही है पूरी लेगेसी बन गई। हॉलीवुड हिस्ट्री में इस फिल्म के नाम रिकॉर्ड है सबसे लंबे ऑन स्क्रीन बिना रुकावट के कंट्रोल बर्न का। उस सीन में केन के ऊपर सच में आग लगी हुई थी जिसे उन्होंने झेला रिकॉर्ड सेटिंग 40 सेकंड तक। केन का फेवरेट सीन है वह स्लीपिंग बैग किल, लेकिन उसे शूट करने में केन को काफी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो सच में काफी भारी था, लगभग 43 किलो, और उसे कई बार पेड़ पर मारना था। फिल्म के अंदर आपने एक बार देखा लेकिन असली किल में कई बार था।
किन ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए थे, चाहे सीढ़ियों से गिरना हो या छत उनके ऊपर गिरना हो। सीढ़ियों से गिरने वाले सीन में वो मरते मरते बचे थे, उनका सर एक स्टेप से टकराने से बच गया था। किन के गले पर जो मोटी चेन थी वो प्लास्टिक थी। इस फिल्म में से ढेर सारे सीन्स को काटा गया और ये इस फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा कटने वाली फिल्म है। तभी फैंस ने इसका नाम रखा है फ्राइडे द 13th द नो ब्लड। कोई अनकट वर्जन नहीं आ पाया क्योंकि स्टूडियो ने सारी फुटेज तबाह कर दी थी। फिलहाल जो भी कटे हुए सीन्स हैं वो आप यूट्यूब पर देख सकते हो रफ फुटेज में। ओरिजिनली ये फिल्म होने वाली थी जेसन वर्सेस फ्रेडी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि फ्रेडी के राइट्स थे न्यू लाइन सिनेमा के पास और जेसन के थे पैरामाउंट के पास। पैरामाउंट ने एक साल वेट किया ताकि बात बन जाए, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। जब बात नहीं बनी तो इसे बना दिया गया टर्मिनेटर वर्सेस कैरी। हालांकि बाद में जेसन के राइट्स भी न्यू लाइन सिनेमा ने खरीद लिए थे, तब जाकर बनी थी फ्रेडी वर्सेस जेसन। फिल्म के स्टार्ट में नरेटर थे वॉल्ट गोर्नी, पहले दो पार्ट्स के क्रेजी रैल्फ। शूटिंग के टाइम पर मेकर्स ने लेस्ली बस्बी को हायर किया था ताकि वो एलिगेटर्स को दूर रखे एक्टर से, लेकिन विंटर्स में एलिगेटर्स एक्टिव होते ही नहीं, इसलिए वो फ्री के पैसे लेकर गए थे। इस फिल्म में हमें सबसे ज्यादा देर तक बिना मास्क का जेसन दिखाई दिया। पिछले किसी पार्ट की फुटेज यूज करने वाली यह आखिरी फिल्म है इस फ्रेंचाइज की। पिछले पार्ट की पॉला यानी कि कैरी नूनन और सेकंड पार्ट की सैंड्रा यानी कि मार्टा कोबर, दोनों को ही टीना का रोल मिल चुका था, लेकिन दोनों ने बता दिया था कि हम पहले भी इस फ्रेंचाइज में काम कर चुके हैं, इसलिए दोनों को रोल नहीं मिला। तब जॉन चाहते थे कि पॉला इरविन ये रोल करे क्योंकि वो 19 साल की थी और इस रोल के लिए परफेक्ट थी, लेकिन पॉला काम कर रही थी फैंटेजम 2 में, इसलिए कोई चॉइस ना पाकर जॉन को कास्ट करना पड़ा लॉर पार्क लिंकन को, जो कि 26 साल की थी और 19 साल के दिखने के लिए उन्हें ढेर सारा मेकअप करना पड़ा। हालांकि मेकर्स खुश थे क्योंकि वो देखती थी सीसी स्पेसिक जैसी, जिन्होंने कैरी का रोल किया था और टीना का कैरेक्टर भी पूरा कैरी से चिपा गया। लॉर्ड ने अपने क्वेश्चंस खुद ही किए थे और साथ ही सारा रोना धोना भी, जिससे उन्हें माइग्रेन की परेशानी आ गई थी। फिल्म में दोनों लवर थे, लेकिन असल में लॉर और केविन स्पेटर्स की आपस में नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। 1988 ऐसा पहला साल था जिसमें तीनों बड़ी हॉरर फ्रेंचाइजेस की नई मूवीज आई थी, हेलोवीन, फ्राइडे द 13th और अ नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट। साथ में हेलरेजर 2 और फैंटाजम 2 और साथ में चाइल्ड्स प्ले, और ये सभी आगे जाकर बड़ी फ्रेंचाइजेस बनी। इसके राइटर हैं डैरिल हैनी, जिन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि उनके एजेंट ने प्रोड्यूसर को फोन करके बोला कि डैरिल के पैसे बढ़ाओ, नहीं तो वो कहानी पूरी नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रोड्यूसर ने उन्हें फायर कर दिया, जबकि डैरिल ने अपने एजेंट को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर इस कहानी को पूरा किया मैनुअल फिडेलो ने। जो स्लीपिंग बैग वाली खेल थी वो डैरिल ने लिखी थी। बचपन में उनका दिल करता था कि अपनी बहन को स्लीपिंग बैग में डालकर पटक दें। उनके मुताबिक इसलिए ये खेल इतनी फेमस हुई क्योंकि लोग इससे रिलेट कर पाए। माइकल यानी कि विलियम बटलर ने इसका रफ कट देखा था बिना म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के, जिसे देखकर उन्हें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। बाद में उन्होंने इसे दोबारा देखा प्रीमियर पर और तब जाकर उन्हें चैन मिला क्योंकि मूवी काफी कट चुकी थी। फिल्म के स्टार्ट में टीना के पास जो कैलेंडर है उसमें डेट थी फ्राइडे 13 अक्टूबर। ये तारीख जॉन के लिए काफी स्पेशल है क्योंकि 13 फ्राइडे अक्टूबर 1978 को वो पहली बार अपनी होने वाली वाइफ के साथ डेट पर गए थे। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि टीना का फादर मरा था फ्राइडे द 13 को। इस फिल्म की एक नई प्रोड्यूसर बारबरा सैस चाहती थी कि ये ग्रेट मूवी बने और जाके ऑस्कर जीते। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर को ऑफर दिया था फेडरिको फेलिनी को, लेकिन उनकी दोनों इच्छाएं पूरी नहीं हुई। फिल्म के एंड में जब टीना का डैड लेक से निकलकर जेसन को दबोचता है, उसमें जॉन चाहते थे कि वो भी जेसन की तरह पूरा सड़ा गला हो, लेकिन बारबरा ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्हें चाहिए थी एक क्लासी एंडिंग। इस फ्रेंचाइज में कैरेक्टर्स के नाम कई बार रिपीट होते हैं। एक सैंड्रा हमने इस पार्ट में भी देख ली। इसमें जेसन ने यूज की एक पोल चेनसो, जो कि फैंस के मुताबिक इससे पहले किसी फिल्म में यूज नहीं हुई, जबकि वो पहले यूज हो चुकी है हार्ड रॉक ज़ॉम्बीज़ में। रॉबिन के डेथ सीन को शूटिंग खत्म हो जाने के बाद फिर से शूट किया गया क्योंकि शॉट में गड़बड़ थी। ओरिजिनली जेसन ने मशेटे से उनका पेट काट कर उन्हें मारा था, लेकिन उस सीन में उनकी बॉडी पर लगा मेकअप सेटअप दिख रहा था, इसलिए सीन को दोबारा शूट किया गया, वो भी सिंपली उन्हें विंडो से बाहर फेंक कर। ऐसी फोर्थ पार्ट में जेसन ने टीना को फेंका था। अपना डेथ सीन शूट करते हुए अमेंडा यानी कि सूजन ब्लू को बुरी तरह सर्दी हो गई थी। इसका बॉडी काउंट 16 और सारी किल्स रात में हुई। तो ये थे दुनिया भर के अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ सबसे ब्रूटल किल, बताए बिना मत जाना। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच आपने मुझे काफी सपोर्ट किया और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। आपके सपोर्ट से मैं भी ऐसे बिना रुके मेहनत करता रहूंगा और क्वालिटी कंटेंट आप तक लाता रहूंगा। आपको पता ही है सिटीजन सी एक क्वालिटी कंट्रोल। तो ऐसी और क्वालिटी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन को एक्सप्लॉइट कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।